जो वीडियो है इससे डेली मंडी से, मैं डॉक्टर मेनका यादव, हम पढ़ रहे थे क्लास सेकंड मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें ये कंसेप्ट 6.2 का नेक्स्ट पार्ट है, पेज नंबर 9 पर। ये देखिए एप्लीकेशन हम पढ़ चुके थे, घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं। जैसे कि ये होती है मिनट हैंड, ये होता है आर हैंड। सो आर हैंड जिसको बोलती है उतने बज जाते हैं, और मिनट हैंड जिस पर होती है उसके अकॉर्डिंग मिनट्स होती हैं। ठीक है, अगर ये 12 पर है तो इसका मतलब 11 बज चुके हैं। एक घंटे में 60 मिनट्स होती हैं, तो आप ये देखिए एक 12 से 5 तक 5 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब अगर बड़ी सुई एक पर होगी तो 5 मिनट होगी। इसी तरह से 2 पर होगी तो ये देखिए बीच वाले जो छोटे टिक्स हैं वो मिनट्स को दर्शाते हैं, तो 10 मिनट हो जाती हैं 2 पर होती है तो। अब आगे वी हैव लर्न टू रीड टाइम फ्रॉम द क्लॉक, हमने अभी तक पढ़ा कि घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं। लेट अस राइट एक्टिविटी इन सीक्वेंस, अब सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ को लिखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच दे हैपन, तो अभी जो नीचे घटनाएं हैं वो सीक्वेंस के हिसाब से लिखनी है। ये देखिए कटिंग वुड एट 5 o'clock इन द इवनिंग, ये कब है, शाम का है, तो शाम कब आती है, बाद में आती है। 10 o'clock इन द मॉर्निंग पैकिंग बैग, 10 o'clock, 10 o'clock पहले आता है, तो इसका मतलब बी ए से पहले आएगा। हाइकिंग टू रीच द साइट एट 12 o'clock इन द नून, दोपहर बीच में आता है, तो इसका मतलब पहले ये आएगा मॉर्निंग, फिर नून और फिर इवनिंग। 7 o'clock इन द नाइट, 7 o'clock नाइट इवनिंग के भी बाद आता है, तो ये सबसे बाद आएगा। बिल्डिंग द कैंप एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून नून के बाद आता है, तो ये देखिए सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा मॉर्निंग, नून, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट। इस तरह से आप अरेंज कर देंगे। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम, ऑल्सो अरेंज द इवेंट्स, वन इज डन फॉर यू। तो ये देखिए आई ड्रिंक मिल्क एंड हैव माई ब्रेकफास्ट एट, कितने बजे, कितने बजे हैं इसमें, 8 बजे। इसी तरह से आई एट माई स्नैक्स एंड डू माई होमवर्क एट, होमवर्क करता हूँ कब करता हूँ, ये देखिए 4 o'clock इन द इवनिंग। ये 4 पर छोटी सुई है, बड़ी सुई 12 पर है, तो कितने बज गए, 4। इसी तरह से आई वॉच टी वी एट 7 पर छोटी सुई, बड़ी सुई 12 पर, तो 7 o'clock इन द नाइट। सो सबसे पहले कौन सा आएगा, मॉर्निंग, इवनिंग और फिर नाइट। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग 4 बजे और फिर नाइट। ठीक है, इसी तरह से इसको देखते हैं। आई गो टू बेड एट कितने बज गए, ये 9 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द नाइट सॉरी। आई रीच स्कूल एट 9 o'clock, ये 9 पर छोटी सुई है, बड़ी सुई 12 पर है, तो 9 o'clock इन द मॉर्निंग। आई हैव माई डिनर एट 8 o'clock एट नाइट, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, मॉर्निंग, मॉर्निंग का 9 बजे सबसे पहले ये आएगा, फिर डिनर एट 8, 8 उसके बाद, और सोना 9, तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इसी तरह से बाकी के भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये एक और एग्जांपल आपके पास गिवन है, यू हैव टू कंप्लीट दिस एग्जांपल एज वेल। सो उसके बाद ये ड्रिल टाइम गिवन है, डेज ऑफ ए वीक एंड मंथ ऑफ अ ईयर, नेम द सीजन दैट फॉल इन द फॉलोइंग मंथ्स, डेज लेटर इन अक्टूबर, अक्टूबर के लेटर डेज में क्या होती है, ठंड यानी विंटर, जनवरी में भी विंटर, अप्रैल में गर्मी, जून अर्लियर डेज में गर्मी, दिसंबर में विंटर। तो ये आपका जो कंसेप्ट 6.1 है उसमें से देखकर आप ये सब सीख सकते हैं। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इस पर आधारित क्वेश्चंस वर्कबुक में हैं। आप पहले कोशिश करें कि उन क्वेश्चंस को खुद करें, बाद में मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगी। ओके, ओके, थैंक यू।